हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सभी की फेवरेट गाड़ी मारुति सुजुकी 800 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो जो आपने थंबनेल देख के ओपन करी है ना, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये मॉडिफाइड हुए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यहाँ पर आप सबके सामने है मारुति सुजुकी 800 एंड ये फुल्ली कस्टमाइज्ड है। साइड से हम आपको चेक कराते हैं सबसे पहले, क्योंकि थंबनेल हमने साइड का ही आपको पूरा जो है थंबनेल में चेक कराया व्यू। तो सबसे पहले साइड ओवरव्यू से बात करते हैं। साइड में फेंडर इंडिकेटर इसमें अपग्रेड हुआ है, ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं। लाइट्स इसमें आपको इंडिकेटर पे मिलती है, इंडिकेटर में एम्बर कलर में ये ब्लिंक होता है। एंड नॉर्मल जब आप अपनी गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर वाइट लाइट जलती है ऊपर में। ये देखिए आप, इंडिकेटर इस तरीके से ब्लिंक होता है, कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नाइट में काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में। प्लस और अनदर एसेसरी जो इस गाड़ी के अंदर अपग्रेड हुई है, वो है ये व्हील आर्चेज। ये यूनिवर्सल व्हील आर्चेज हैं जो अपनी कोई भी गाड़ी में लगवा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देते हैं, एक स्पोर्टियर लुक गाड़ी के अंदर एनहांस करते हैं। पीछे में भी आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर एलॉय व्हील्स लगे हैं, जी मैक्स के, मेड इन मलेशिया वाले। 12 इंचेस में ये अपग्रेड हुए हैं। टायर साइज़ है 145/80 आर 12 इंचेस का। एंड टायर्स आप देख सकते हैं, प्लस एलॉयज आप देख सकते हैं। लुक्स काफ़ी डैशिंग आ रहे हैं। एंड एट द एंड जो गाड़ी का पूरा लुक आता है वो कुछ इस टाइप का आता है, ये आप चेक कर सकते हैं एलॉयज प्लस फेंडर आर्चेस अपग्रेड होने के बाद में। वहीं पर बात करें साइड बिडिंग की, तो ये तो आपको कंपनी देती है जो 800 में आपको मिलती थी साइड बिडिंग, कुछ इसी टाइप की साइड बिडिंग मिलती है। साइड से ये इसके ORVM से जो मैनुअल ORVMs आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको कैसे भी आप कर सकते हैं, ये इनका बेनिफिट होता है पूरा। आप इसको 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लोअर विंडो क्रोम गार्निश है 800 के लिए, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड क्रोम आप देखिए, लोअर विंडो क्रोम। प्लस ये डोर वाइजर्स हैं। रूफ रेल्स आप देखिए, सुजुकी स्पोर्ट की ये आपको रूफ रेल देखने में मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। प्लस बैक साइड की बात करें तो ये अगर आप देखेंगे लुक बैक साइड के व्हील्स का, तो एलॉयज आप देखिए सबसे पहले, जी मैक्स मेड इन मलेशिया 12 इंचेस के। पीछे भी सेम साइज़ है, बस आपको ये ड्रम देखने को मिलेगा, तो इससे थोड़ा सा लुक आपको डिफरेंट लगेगा फ्रंट एंड रेयर का। तो ये आपको 4 क्रोम नट्स में मिलते हैं। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है आपको 8 बोल्ट का, जैसे आप देखिए ये 4 बोल्ट खाली हैं, बट इसके अंदर जो पूरा एक्सेल आता है ना, वो 4 बोल्ट पर ही केस होता है। एंड काफ़ी अच्छी इनकी आपको ग्रिपिंग मिलती है टायर्स की, C8 के टायर्स हैं। साथ में यूनिवर्सल फेंडर आर्चेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो रेयर साइड के, इसके लिए जो ये वाला पार्ट है ना, इसका साइड बिडिंग का ये कट हुआ है, देन यहाँ पर इस तरीके से प्लेस हुए हैं। एंड ये बोल्ट ड्रिल करके केस करे गए हैं इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। प्लस ये पेट्रोल वाली गाड़ी है, साथ में पीछे आपको मारुति सुजुकी 800 की बैजिंग मिल जाती है। प्लस ये 1+ का स्टिकर लगा हुआ है अंदर से भी। इंटीरियर में इस गाड़ी के अंदर एंड्रॉयड स्टीरियो लगा है, वो हम आपको चेक कराते हैं। इंटीरियर में हम चलते हैं, तो इंटीरियर में ये है डोर। डोर पे एम्बिएंट लाइट इसमें लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं EL वायर डोर पर। साथ में यहाँ पर ये सुजुकी के लोगो के साथ में होलोग्राम आता है, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं डोर लाइट्स। प्लस गाड़ी के अंदर सुजुकी की स्कफ प्लेट लगी है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड इसके साथ में सीट कवर्स आप देखेंगे, तो ये सीट कवर्स हैं इसमें ब्लैक कलर में, रेड स्टिचिंग के साथ में। और गाड़ी के स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग ग्रिप लगी है कार्बन फाइबर फिनिश पैटर्न में, इससे आपको ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी मिलती है ये स्टीयरिंग पे। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में स्टीयरिंग रिमोट आता है, ये ब्लूटूथ के साथ में पूरा पेयर हो जाता है आपके सिस्टम से, साथ में एंड्रॉयड से आपके जो वॉल्यूम वगैरह है, नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग को आप कर सकते हैं, कॉल एक्सेप्ट कर सकते हैं, कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो चेक कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं 800 के अंदर ये आपको कुछ इस टाइप का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। नीचे में आपको सिंगल डिन देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं अपनी 800 के अंदर इंफोटेनमेंट अपग्रेड कराना एंड्रॉयड में, तो ये आप करा सकते हैं। कुछ इस टाइप की पूरी फ्रेमिंग आती है, पीछे से इस टाइप का लगता है ये देखने में। एंड साइड में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेन ड्राइव वगैरह का यहाँ पर आपको स्लॉट भी मिल जाता है। तो हम अभी जस्ट गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट, ये आपको ब्लू कलर में देखने को मिलेगी। इसमें आपको 7 कलर मिलते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, येलो, पर्पल, सारे बहुत सारे कलर्स आते हैं इसमें। एंड अपने अकॉर्डिंगली आप जो कलर टोन है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो डैशबोर्ड पर ये लगी हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। प्लस ये नीचे में आप देखिए एटमॉस्फेयर लाइट ब्लू कलर में, दोनों सेम टाइम पे वर्क करती हैं। इसकी खास बात यही है कि जैसे ही आप मोबाइल के थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू कलर चेंज करेंगे, तो एटमॉस्फेयर का साथ में एम्बिएंट लाइट का कलर दोनों का सेम टाइम पे चेंज होगा। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्कल गियर नॉब है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। मेन है इंफोटेनमेंट सिस्टम 800 के अंदर काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये होम है, ये देखिए आप, जैसे ही लाइट्स अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, तो ये देखिए लाइट भी इसमें जल जाएगी। और ये अभी मैंने लाइट बंद कर दी है, तो ये लाइट बंद हो चुकी है।
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लाइट में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ये 800 के अंदर बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिल जाएंगे एंड्रॉयड में, एप्लीकेशंस वगैरह आपको ढेर सारी मिलती हैं, और यूट्यूब वगैरह आप नॉर्मली जो अपना वीडियोस वगैरह वो प्ले कर सकते हैं ऑन द गो, म्यूजिक वगैरह गूगल मैप्स का इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है, प्लस इसमें प्ले स्टोर भी है, तो बहुत सारी चीज़ें आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। और पर्सनली ये जो चीज़ है ना वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आप क्या सोचते हैं इस एंड्रॉयड के बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लस ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में स्टीयरिंग रिमोट अपग्रेड हुआ है गाड़ी में, तो ये आप देखिए वॉल्यूम भी अप हो रहा है एंड वॉल्यूम डाउन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी कमाल का फीचर है। नेक्स्ट प्रीवियस कॉल एक्सेप्ट कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं, म्यूट अनम्यूट हो जाएगा साथ में। तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हैं, एप इनेबल्ड है ये, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इस सिस्टम के अंदर, एंड आप भी ये चीज़ अपनी गाड़ी के अंदर करा सकते हैं। प्लस ट्विटर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्विटर्स वगैरह अपग्रेड हुए हैं। पीछे से मैं आपको गाड़ी का व्यू चेक कराता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पार्को के पैडल्स अपग्रेड हुए हैं गाड़ी में, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पीछे से आप चेक कराते हैं जो गाड़ी का डोर पैनल है, पीछे में भी आप देख सकते हैं ये एम्बिएंट लाइट प्लस स्कफ प्लेट सुजुकी की एंड एटमॉस्फेयर लाइट। पीछे से जो व्यू है वो कुछ गाड़ी का इस टाइप का आता है, इंटीरियर डैशबोर्ड का, ये आप चेक कर सकते हैं व्यू। तो ये आप भी अपनी गाड़ी के अंदर करा सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये, काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। फ्रंट से आपको गाड़ी का व्यू चेक कराते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइट्स, हेडलाइट्स में आप देखिए LEDs अपग्रेडेड हैं। पार्किंग में भी हेडलाइट में आप देख सकते हैं वाइट लाइट, प्लस नीचे में आप देखेंगे तो ये फॉग लाइट्स हैं, नॉर्मल में आपकी वाइट में जलती हैं, और जैसे ही इंडिकेटर पे स्विच होता है तो इसमें आपको एम्बर कलर में पूरा इसका रिफ्लेक्शन मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो पूरा लुक आता है ओवरव्यू कुछ इस टाइप का आता है 800 का।